58 साल के बाद आज विधानसभा में लगी की अदालत 6 पुलिसकर्मियों की सजा पर सदन करेगा सुनवाई। जानिए क्या है पूरा मामला। विधानसभा में शुक्रवार को विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के मामले में 6 पुलिसकर्मियों पर सुनवाई होगी। 2004 के मामले में 17 साल पहले इन पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया जा चुका है। आज सजा का ऐलान भी हो सकता है। इससे पहले 1964 में यूपी विधानसभा में कटघरे में सुनवाई की गई थी। साल 2004 में सपा सरकार में बिजली कटौती के विरोध में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कानपुर में धरने पर बैठे थे। इस दौरान बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें तत्कालीन विधानसभा सदस्य सल विष्णु की टांग टूट गई थी। वह कई महीनों बेड पर पड़े थे। इसके बाद विशेषाधिकारी हनन और सदन की अवमानना की सूचना 25 अक्टूबर 2004 को विधानसभा सत्र में रखी गई थी। विधानसभा से मिली जानकारी के अनुसार विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के मामले में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ साल 2004 से मई 2005 तक सुनवाई हुई। सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया, लेकिन 2005 के बाद से अभी तक सजा का ऐलान नहीं हुआ है। विधानसभा सत्र के 11 दिन कार्रवाई में 12:30 के बाद अदालत के कटघरे में 6 पुलिसकर्मियों को खड़ा कर सजा पर फैसला किया जा सकता है। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने डीजीपी और मुख्य सचिव गृह को पूर्व सीईओ कानपुर के साथ 5 अन्य पुलिसकर्मियों को पेश करने के निर्देश दिए। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से सदन में रखे गए विशेषाधिकार से जुड़े प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सदन की मंजूरी मिल गई है। सीओ अब्दुल समद के अलावा किदवई नगर के थाना अध्यक्ष ऋषिकांत शुक्ला, एसआई थाना कोतवाली त्रिलोकी सिंह, किदवई नगर थाने के सिपाही छोटे सिंह यादव, काकादेव थाने के सिपाही विनोद मिश्र और काकादेव थाने के सिपाही मेहरबान सिंह शामिल हैं। ये सभी उस वक्त शहर के ही विभिन्न थानों में तैनात थे। चलिए जानते हैं क्या है 1964 का मामला। 14 मार्च 1964 में यूपी विधानसभा में नरसिंह नारायण पांडे विधानसभा सदस्य के खिलाफ भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाए गए थे, जिसमें गोरखपुर के साथ साथ विधानसभा में हाथों में एक पैम्पलेट प्रकाशित और प्रसारित किया गया था। विधानसभा में नरसिंह नारायण पांडे तथा अन्य द्वारा शिकायत की गई कि यह विशेषाधिकार का हनन है। विशेषाधिकार समिति के द्वारा शिकायत पर 4 व्यक्तियों को नोटिस भेजा गया, जिसमें केशव सिंह, श्याम नारायण, हुबलाल दुबे और महात्मा सिंह नोटिस में शामिल थे। इन चारों पर आरोप था कि श्याम नारायण सिंह, हुबलाल दुबे ने पैम्पलेट को छपवाया और वितरित किया था। यह अभी आरोप लगाए गए थे कि सदन की लॉबी की ओर जाने वाले गेट पर महात्मा सिंह ने पैम्पलेट का वितरण भी किया। विशेषाधिकारी समिति के याचिकाकर्ता को ढूंढ निकाला गया। विशेषाधिकारी समिति की जांच में सही पाए जाने पर फटकार लगाते हुए दोषियों पर अवमानना की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। नरसिंह नारायण पांडे विधानसभा सदस्य की याचिका पर दोषी पाए गए। मामले में श्याम नारायण सिंह, हुबलाल दुबे समेत 3 को विधानसभा के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया था। श्याम नारायण सिंह और हुबलाल दुबे 19 फरवरी 1964 को विधानसभा के समक्ष पेश हुए। फटकार प्राप्त की, लेकिन आवश्यक रेल यात्रा के किराए का भुगतान करने में असमर्थता जताई। तीसरे दोषी पाए गए केशव सिंह को बार बार विधानसभा अध्यक्ष के कहने के बावजूद उपस्थित न हुए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर 13 मार्च 1964 को मार्शल के द्वारा गोरखपुर से गिरफ्तार कर 14 मार्च 1964 को पेश किया गया। विधानसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर जारी कर दिए गए। वारंट पर 19 मार्च 1964 को 7 दिन की सजा मिली और ₹2 जुर्माना लगाया गया था। फिलहाल इस मामले में केशव सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ हाईकोर्ट इलाहाबाद में बेंच में 10 मार्च 1965 को याचिका दाखिल की थी।